हेलो गाइस, स्वागत है आपका कहानियों के इस दौर में, यानी कि डियर डायरी में। तो लेकर आता हूँ आपके लिए ये खूबसूरत सा प्रोग्राम जिसमें आप लोगों की कहानियाँ पढ़ता हूँ। और अगर आप लोग भी कोई कहानी लिखते हैं या आपके पास कोई ज़िंदगी का किस्सा है तो आप मुझे भेजें, मैं आपकी स्टोरी आप लोगों तक पहुँचाऊँगा, बस जुबा मेरी होगी। तो शुरू करते हैं आज की कहानी जो मुझे भेजी है गुरनूर ने। तो ये कहानी है गुरनूर की, जो कुरुक्षेत्रा में रहती हैं। और ये कहती हैं कि मुझे ना एक बार प्यार हुआ, मतलब शिद्दत से हुआ, या यूं कहूं कि अभी भी उसी से है। तो किस्सा कुछ यूं है कि हम दोनों पहले दोस्त बने, फिर अच्छे दोस्त बने, फिर बेस्ट फ्रेंड बने, और फिर प्यार में गिर गए। मैं एक सिंपल फैमिली की हाई थिंकिंग गर्ल थी। मुझे देखकर कोई ये तो नहीं कह सकता था कि मैं रिच नहीं हूँ, बट हाँ दिल से मैं थोड़ी देसी थी। बट हाँ, ब्रांड्स डालने हों, भले ही कम ड्रेसेस थी मेरे पास, लेकिन फराटेदार इंग्लिश के साथ साथ मुझे कोई पहचान नहीं पाता था। आई मीन रट्टे लगा रखे थे यार कुछ लाइंस के मैंने। लेकिन नोबडी कैन जज मी, कोई मुझे जज नहीं कर सकता था। चलो खैर, अब बात करती हूँ उनकी, यानी कि मेरे बीएफ की। वो देखने में थोड़ा डार्क था, बट लोग उसे डार्क लॉन्ग हैंडसम कहते थे। खैर, हमारी ज़िंदगी अच्छी निकल रही थी, भगवान की दुआ से सब कुछ तो था मेरे पास। और एक दिन मैंने घर पे बात कर ली, पापा मान भी गए मेरे, लेकिन हद तो कुछ ये थी कि मैं तो बेहद खुश थी कि चलो एक पड़ाव तो आगे बढ़ी ज़िंदगी का। फिर जब प्यार में होता है ना इंसान, तो फिर कुछ होता भी नहीं है, फिर बस हम प्यार में ही होते हैं। और अब ये भी एक मिलने की आस बन गई कि चलो अब प्यार मेरा पूरा होने वाला है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, अब बारी थी उसके घर जाने की। मैं बहुत डरी हुई थी, क्योंकि जब वो मेरे घर आया था ना, तो माहौल बहुत अच्छा था। हमारी मिडिल क्लास फैमिली में बातें खाने पीने से शुरू होती हैं और खाने पीने पे ख़त्म। हम लोग छोटी छोटी बातों को माइंड नहीं करते हैं। लेकिन अब उसके हाई क्लास घर में मुझे जाना था, और मैंने देखा कि हाई क्लास में जाते हुए स्टैंडर्ड को कैसे मेंटेन करना है, ये सब बातें मुझे खटक रही थी। खैर, नेक्स्ट वीकेंड का प्लान हो चुका था उसके घर वालों से मिलने का। मैं पूरा वीक डरती रही, रोज़ ड्रेस फाइनल करती थी कि ये पहन लूँ, फिर कैंसिल कर देती थी, क्योंकि कभी लगता था कि इनके लेवल की हैं, कभी लगता था कि शायद इनके लेवल की नहीं हैं, कभी लगता था ज़्यादा रंग बिरंगे ना हो जाएं यार, थोड़ा सोबर बन के जाऊँ। मैं बहुत परेशान थी, एंड में मैंने मना कर दिया उसके घर जाने को। बट मेरे ये यानी कि बीएफ को तो बस ये था कि जल्दी से जल्दी मिला दूँ इसके अपने पेरेंट्स से। खैर, सैटरडे की रात आई और मैं कैसे ना कैसे ये रात निकालने में कामयाब हो गई। दिन हुआ और मेरा कांपती टांगों के साथ उसके घर में प्रवेश हो गया। घर पूरा यार बॉलीवुड फिल्मों की तरह, बड़ी सी फैमिली, इतने सारे लोग, और मैं शर्म से लाल हुए जा रही थी। सब लोग आकर मुझे मिल रहे थे, एंड देखने से बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि उनमें इतना एटीट्यूड होगा। खैर, शुरुआत हुई ड्रिंक से, मेरा मतलब जूसी से, वो मेरे लिए बहुत ईजी था। लेकिन असली प्रॉब्लम तब हुई जब डिनर का टाइम हुआ। मैं खुश थी कि मुझे खाना खाकर जल्दी से घर जाना है, सब सही हो गया है, मेरी यहाँ शादी पक्की है। लेकिन तभी डिनर लगा दिया गया। मैं खुशी खुशी टेबल पर बैठी, लेकिन मेरे आगे परोसा गया डोसा, ये बोलकर कि मेरी बीएफ की मम्मा ने बनाया, यानी कि मेरी होने वाली सासू माँ। मैं परेशान हो गई कि सारा का सारा ये चीज़ खाऊंगी कैसे, मेरे आगे कांटे छुरी सब कुछ रख दिया गया। मींस मुझे ये था कि अंग्रेजों की तरह खाना पड़ेगा। खैर, सब लोग सामने बैठे थे, सब लोगों के हाथ में फोक थे, कांटे थे, और सब लोग आराम से स्टैंडर्ड दिखाते हुए नाइफ से कट करके खा रहे थे। अब मैंने भी अपनी कोशिश की, मैंने एक बार ट्राई किया, दूसरी बार ट्राई किया, नहीं टूटा, तभी वो फोक एंड नाइफ उछल कर टेबल के बीच में आ गिरा। ओ बेटे, मेरी तो आंखें बाहर आ गई, एकदम से सन्नाटा सारों तरफ छा चुका था, और मैं अंकुर को, मीन्स मेरे बीएफ को देख रही थी। और मुझे एम्बेरसमेंट फील हो रहा था, लेकिन वो थोड़ा स्माइल दे रहा था। मैं परेशान हो गई थी, अचानक से अंकुर ने कहा कि तुमसे नहीं, अगर नहीं खाया जा रहा तो तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो ऐसे खा ही क्यों रही हो। सब लोग हंसने लगे, पर मैं बहुत गिल्ट फील कर रही थी। तभी मेरी सासू माँ ने सबको शांत करवाते हुए कहा कि भाई, जो मज़ा हाथ से खाने में है ना, वो किसी फोक वोक में
या चक्कू के साथ खाने में नहीं है। उन्होंने कहा, बहू आ जा मेरे पास। और हम दोनों सासू माँ ने बैठ कर साथ में खाना खाया, और हमारे साथ और भी कई रिलेटिव्स थे जो हमें देखे देखे हाथ से खाने लगे। मेरी सासू माँ ने मुझे देखा और उन्होंने कहा कि तुम जैसे हो वैसे ही तुम्हें कोई एक्सेप्ट करे तो वही प्यार है, यही रियल लव है, उसको कभी मत छोड़ना। और आज तक मेरी और मेरी सास की बहुत बन रही है, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे की कमियों के साथ रहना सीख गए हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि ज़िंदगी में जो इम्पोर्टेंट है वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, चाहे वो रिश्ता हो चाहे वो समाज हो, लेकिन हाँ हमेशा तुम जैसे हो वैसे बने रहना, अपने आप को बदलना नहीं। यही है मेरी खूबसूरत सी स्टोरी। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं अगली स्टोरी की तरफ। और अगली स्टोरी जो मुझे भेजी है, उन्होंने अपना नाम नहीं बताया लेकिन उन्होंने कहा कि बस मेरी स्टोरी सुना दीजिएगा। और उन्होंने ये बता दिया कि वो हरियाणा में करनाल के रहने वाले हैं। तो चलिए करनाल की स्टोरी के नाम से जान लेते हैं इसको। तो ये कहते हैं कि कभी ब्रेकअप से ब्रेकअप करते हुए सुना है? नहीं। तो चलो आज मैं आपको बताता हूँ, आपको ये स्टोरी मैं सुनाता हूँ। 3 दिन पहले अगर आप मुझे मिले होते तो मैं रोता हुआ मिलता आपको, लेकिन अब मैं से हम हो गया हूँ, क्योंकि अब हमें लगता है कि हमें खुद की इज्जत करनी चाहिए। वैसे आजकल वेला हूँ, क्योंकि किसी ने कहा है कि जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले कभी कुछ किया नहीं था मैंने, एक काम बड़ी शिद्दत से किया था, मोहब्बत। जी हाँ, हमें भी हुई थी मोहब्बत किसी से, वो भी बे इंतहा, निष्पक्ष, निस्वार्थ, बस मोहब्बत। खैर अब हमारी मोहब्बत किसी और की ज़िंदगी बन चुकी है और हम अपनी ज़िंदगी में हैं परेशान। मीन्स पहले बहुत थे, अब ज़िंदगी थोड़ी सी पटरी पर लौट आई है, या यूं कहूं कि किसी तरह से थोड़ा थोड़ा चल निकला है, धीरे धीरे बन रही है ज़िंदगी। वरना एक समय वो भी था जब हम भगवान से 2 घंटे के लिए नींद मांगते थे, ताकि भगवान जी हमें नींद दे दें और हम जिंदा रह सकें हमारी फैमिली के लिए। एक्चुअली हम दिन रात उसकी फेसबुक इंस्टा में खोए रहते थे, और वो कभी हनीमून की तो कभी अपने आलीशान घर की फ़ोटोज़ अपलोड करती रहती थी। मोहब्बत में ना पता है क्या होता है कि कोई आपसे कितनी भी बेवफाई कर ले पर आप उनसे नफरत नहीं कर पाते। अब हमारे दोस्त भी थोड़े कम हो रहे थे, और जो थे वो देते थे गालियाँ कि अबे तू छोड़ दे उसको, वो तुझे छोड़ चुकी है, तू अपनी ज़िंदगी का टाइम क्यों ज़ाया कर रहा है। पर हम तो भी हम थे, हम अपनी दुनिया में मीन्स उनकी दुनिया में खोए रहते थे। कभी देखकर कहते थे कि ये सारी अच्छी लग रही है, और कभी फ़ोटो देखकर कहते थे कि ओ बेटे ये तो हमारा दिया हुआ पर्स है, मीन्स स्लिंग पकड़े हुए है भाई हमारा। खैर ज़िंदगी यही थी बस हमारी। दोस्तों ने खूब समझाया, खूब डांटा कि मूव ऑन हो जा, तरीके बताए, बट उनको कौन समझाए कि मूव ऑन ब्रेकअप से निकलना आसान है लेकिन किसी की बातों से निकलना बेइंतहा मुश्किल। खैर मैं दिन रात उसकी चैट पढ़ता रहता, हमारी चैट होती भी तो कमाल की थी, रोज़ एक नया टॉपिक, उस पर बहस, फिर लड़ाई, और रात को मनाना एक दूसरे को और सो जाना। बस यही होता था हमारी चैट्स में। लेकिन आज वो मेरे लिए सबसे कीमती चीज़ बन चुकी है चैट। हालांकि मेरा फ़ोन जो है ना वो डिब्बा बन चुका है। लेकिन क्या करूँ, अब इसे बदले कौन, बिकॉज उसका दिया हुआ फ़ोन है और इसमें चैट है जो हम दोनों की है। फिर मेरे बेस्ट फ्रेंड ने मुझे एक फ़ोन गिफ्ट किया। वो आजकल बाहर रहता है भाई, फ़ौरन में वापस आया और मेरे लिए एक हाई टेक सेल लेकर आया। उसने कहा कि भाई पुट योर सिम इन दिस न्यू फ़ोन। अब हमसे कहाँ होना था भाई ये, है ना, ये हमें कहाँ भा सकता था, है ना। मैंने उसे बोला कि भाई तेरी भाभी की सब चैट डिलीट हो जाएगी। तो उसने मुझे देखा और हंसने लगा और वो कहता है कि नहीं होगी, तू फ़ोन तो चेंज कर। हालांकि वो चाहता तो मुझे बता सकता था कि तू स्क्रीनशॉट लेके रख सकता है, लेकिन उसने खैर ये सोचा ही नहीं। उसने नई FB ID बना दी, नई इंस्टा बना दी, सब कुछ नया बना दिया और बोला कि भूल जा, ज़िंदगी में अगर पुराने जख्म कुरेदेगा ना तो दर्द ही मिलेगा। यूँ तो मैं हूँ सख्त लड़का, लेकिन उसकी बातों से फिसल गया और उसको गले लगाकर खूब रोया। उसने भी एक बार भी मुझे चुप कराने की कोशिश नहीं करी, वो बोला रोता रहे, सब निकाल दे आज। खैर मैं चुप हुआ। कुछ देर बाद तो उसने कहा कि तू शादी कर ले, मूव ऑन हो जाएगा।
मैं चाहता तो सब चैट्स तेरी वापस कर सकता था, स्क्रीनशॉट ले सकता था, लेकिन जिस रास्ते जाना नहीं उसका रास्ते का पता क्यों पूछे हम लोग। मैंने मींस हमने कहा, शादी करके क्या हो जाएगा यार, मैं उसको भूल तो नहीं पाऊंगा। उसने कहा, देखो नया जख्म ही पुराने दर्द का इलाज है, सो गो अहेड। आज हम दोनों दोस्त मिलते हैं ना तो उस बात को याद करके बहुत हंसते हैं। इसलिए आपको यही कहूँगा कि ज़िंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, दोबारा प्यार करने वाले हिम्मत वाले इंसान होते हैं, हिम्मत रखो। एंड जिन जिन का दिल टूटा है ना, एक बार दोबारा मोहब्बत करके देखो, जैसे मैंने की है मेरी वाइफ से, दोबारा निष्पक्ष निर्वैर शिद्दत से। बस यही है आज की स्टोरी। तो गाइज आई होप कि यू विल गोना लव दिस टाइप ऑफ स्टोरीज, और मुझे तो स्टोरी बहुत अच्छी लगी यार। तो अगर आपके पास भी है कोई स्टोरी तो आप मुझे सेंड करें, मैं आपकी स्टोरी आप तक पहुंचाऊंगा। तो देखते रहें हरियाणा वीट्स, कैच यू नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। हरियाणा म्यूजिक इंडस्ट्री की सभी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए हरियाणा में। Download the app now.